नमस्ते दोस्तों, आज मैं सिंपल सा सांभर बनाने कैसे बनाना है सिखा रही हूँ। ये मिलेट राइस कहते हैं ना, ऐसा ये एक कप लेकर दो कर अच्छे से, एक कप के लिए तीन ग्लास पानी डालकर थोड़ा नमक डालकर रखी हूँ कुकर में। मैंने ये दाल रख देती हूँ ऊपर, ये मिलेट राइस ऊपर, ये सब्जी रखकर इधर ले कुकर में एक ग्लास पानी डाली हूँ। इसमें ये रखकर स्टोव ऑन कर देते हैं। तो मैं सिंपल सा मेनू बना रही हूँ, मिलेट राइस और सांभर। अभी इसको 3 से 4 विजिल आने दीजिए, बाद में देख लेंगे। अभी देखिए ये 3 से 4 विजिल हो गया, कुकर भी ठंडा हो गया। ओपन करती हूँ, अभी ये निकालती हूँ। ये अच्छे से पक भी गया। पांच मिनट उबलने दीजिए। देखिए अच्छे से उबल रहा है, इसका मसाला का स्मेल भी निकल गया है, बहुत अच्छा सा स्मेल आ रहा है। इसको तड़का दे देते हैं। इधर थोड़ा एक 2 स्पून तेल डालकर रखी हूँ, अभी वो गर्म हो गया। इसमें लाल मिर्च दो तोड़ कर डाली हूँ, थोड़ा कटा हुआ लहसुन डाली हूँ। देखिए लहसुन अच्छे से पक गया, अभी हिंग थोड़ा डालती हूँ, करी पत्ता थोड़ा डाल देती हूँ।
सारी धनिया डालकर क्लोज करके रख दीजिए। अभी ये रेडी सामने, अभी दिखाती हूँ कैसे हुआ। तड़का डालने से उसे क्लोज करना है, तभी सांभर अच्छा से स्मेल आता है। देखिए सांभर, ये चावल के साथ, इडली के साथ, डोसे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो ये सिरधनिया राइस बनाकर उसके साथ ले रही हूँ। आप भी घर पर चटपट बनाइए सांभर, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।